दोस्तों, अदानी ऑयल मार्क कंपनी का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या हो सकता है आज के दिन में? ये बाद में ये स्ट्रेट लाइन ही था तो मॉर्निंग पर ये स्टॉक ने ही गिरावट से बाउंस बैक कर लिया है, ठीक है। और ये स्टॉक ने तकरीबन इन 3 दिनों के अंदर 70% रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो आज से अगर 2 दिन पहले यानी 8 फरवरी को अगर आपने बाय कर लिया होता 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का अगर शेयर बाय कर लिया होता तो आज आपको प्रॉफिट जो हो जाता ना मेरे दोस्तों, 1,70,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितना पैसा आपका प्रॉफिट हो सकता था। तो शायद आपको नहीं पता था, तो मैंने बताया भी था कि यह स्टॉक 300 रुपीज़ को हीट करेगा। उसके बाद कहा था कि 350 रुपीज़ को हीट करेगा। तो कल मैंने कहा था 350 रुपीज़ को ये हीट करेगा और ये हीट कर भी दिया है, ठीक है। तो इसका अगर कल का टारगेट कहा जाए तो दोस्तों ये कल 400 रुपीज़ को हिट करेगा। इससे ज़्यादा मैं कहने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर 400 रुपीज़ से ऊपर चला जाए तो 450 रुपीज़ को हिट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पहले 400 रुपीज़ को हिट करेगा, मार्केट ओपन होने के साथ ही साथ हो सकता है कि 400 रुपीज़ से ऊपर चला जाए दोस्तों, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही साथ 420 रुपीज़ भी हो जाए दोस्तों। तो ये स्टॉक का प्राइस और भी ज़्यादा कुछ दिन आग लगाएगा ये स्टॉक, ठीक है। तो हो सकता है कि पैसे को डबल करके ही दे देगा इन्वेस्टर को बहुत ही जल्दी। तो उसके बाद भी मेरे दोस्तों, इसका अगर लोअर सर्किट का भी कहा जाए तो 350 रुपीज़ इसका लोअर सर्किट का टारगेट मानकर चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद भी पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ, ठीक है। किसी दूसरे का बात सुनकर पैसा मत लगाओ, क्योंकि मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि किसी भी स्टॉक पर पैसा लगा दो, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और हम किसी को भी एडवाइस नहीं देते किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, ठीक है। तो पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करो, करके सोच समझ कर पैसा लगाओ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।